नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरा मेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, एक बार आपके सामने फिर से खुशखबरी लेके आए हैं जो कि COVID-19 की वैकेंसीज हैं। हर बार COVID-19 की वैकेंसी निकलती जा रही हैं और आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब की बार जो COVID-19 की जो संविदा बेस पर आपकी कॉन्टैक्ट बेस की आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपकी डिग्री BAMS, BUMS, BHMS या आपके पास BDS डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि इसमें आपके लिए COVID-19 में आपके कॉन्टैक्ट बेस पर आपको सैलरी दी जाएगी और आपको जॉब प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी है। इसमें टोटल पदों की संख्या की बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपके 100 पद हैं। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जरा सा स्किप ना करें। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे इस नोटिस पर लेके चलते हैं। इसमें नोटिस में आपको समझाते हैं कि इसमें लिखा क्या है और आप इस कैसे इस फॉर्म को फिल करें। तो आइए इस नोटिस पर। तो फ्रेंड्स, आप नोटिस में देख पा रहे होंगे ये फॉर्म जो निकले हैं वो किस नाम से निकले हैं, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से निकले हैं। आप इंदौर देख सकते हैं। इसमें जो डेट दे रखी है आपकी, दे रखी है 20 अप्रैल 2021 की है, जिसमें देख सकते हैं कि COVID-19 की रोकथाम के लिए अतिरिक्त अस्थाई मानव संसाधन हेतु वॉक इन इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू के तौर पर आपको इसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा और आपको सैलरी दी जाएगी। ये फ्रेंड्स NHM के द्वारा निकली है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक NHM HR सेल 1 भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2021 द्वारा COVID-19 की रोकथाम के लिए अतिरिक्त अस्थायी मानव संस्थान की नवीन अस्थायी स्वीकृति पत्र जारी होने की दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक स्वीकृत दिए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित पदों पर मासिक मानदेय पर 31 मई 2021 माह की अवधि के लिए जिसे आवश्यकता होने पर घटाया व बढ़ाया जा सकता है, पूर्णतः स्थायी रूप से सेवा ली जानी है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो इसका ज्वाइनिंग दी जाएगी वो 31 मई तक दी जानी है जाएगी और इसमें आपकी जो आपकी जॉब है वो इसमें घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ये स्थायी रूप से है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि संविदा बेस पर है आपकी, ऐसा बिल्कुल ना समझें। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसमें आप वो घटा भी सकते हैं और ये बढ़ा भी सकते हैं। अभी तक आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दिखाई दे रखी होगी, 31 मई 2021 तक आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा। COVID-19 की ये आपकी वैकेंसी है। तो आप इसमें कौन कौन फॉर्म में इसको अप्लाई कर सकता है, आयुष चिकित्सक पद का नाम है आयुष चिकित्सक, जिसमें आपके पास BAMS, BUMS, BHMS इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है आयुर्वेदिक की, तो और अब जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो मासिक आपकी सैलरी रहने वाली है वो 25,000 रुपये प्रति महीने रहने वाली है। इसमें पदों की संख्या की बात कर लें तो वो आपके 50 पद हैं। इसमें BAMS, BUMS और BHMS के लिए आपके 50 पद हैं। इसके अलावा आप BDS यानी कि दंत चिकित्सक के डॉक्टर के लिए इसमें 50 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, BDS की डिग्री होनी चाहिए। और जो आपका मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल से स्थायी जीवित वैध पंजीयन होना चाहिए और आपका निर्धारित इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका इंटर्नशिप भी पूर्ण होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो 25,000 रुपये रहने वाला है। इसमें भी पदों की संख्या आपकी 50 है। फ्रेंड्स, इसके नीचे आप नोट पढ़ सकते हैं, यह सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं। ये अचानक से ली जा रही हैं, ये आपके लिए स्थायी नहीं है, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा को मान्य नहीं किया जाएगा। ये संविदा पर नहीं, साफ साफ मना इसमें कर रहा है। यह अगला पॉइंट है, यह सेवा किसी प्रकार की शासकीय नियुक्ति नहीं है और ना ही इसके आधार पर कोई स्वायत्त उत्पन्न होगा। यह सेवा एक निश्चित समयावधि यानी कि 31 मई 2021 तक के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात आदेश स्वायत्त समाप्त
माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डेट रहे आपकी निश्चित, इसी तारीख तक आपको समय आपके लिए जॉब है और इसके बाद वो बढ़ा भी सकते हैं या वो घटा भी सकते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट www.mgmmcindore.in, ये अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप आवेदन करके वेबसाइट पर आवेदन समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित छायापत्र संकलन कर आप इस तारीख तक, जो कि इसमें कब तक कर सकते हैं, इसमें 11:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके नीचे आपका जो फॉर्म देंगे, ये आपको फॉर्म फिल करके देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितने डॉक्यूमेंट है आपकी सबकी छायाप्रति होनी चाहिए, जैसा कि उसमें दे रखा था। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्ग दे रखा है, इसका पता लिख दें, फिर आधार कार्ड, योग्यता अपनी लिखनी है, परीक्षण केंद्र का नाम, कहाँ से आपने डिग्री करी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें संलग्न करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ से आपको आगे ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसकी प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको जो COVID-19 जितने भी आपकी वैकेंसी निकल गई है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।